तो सुजानगढ़ की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है, लगातार चोरियों की घटनाएं हो रही है। लेकिन जो घटना कल रात्रि को हुई है उससे लोगों में एक भय व्याप्त हो गया है। पीछे दुकान आप देख रहे हैं, मालचंद रामनिवास, ये किशन बेड़िया की दुकान है जिस पर 10 दिन पहले चार युवा घुसे थे, गले से सरेआम 4 लाख रुपए निकाल लिए थे। 2 लाख की एक गड्डी नीचे गिर गई, लेकिन 2 लाख रुपए लेकर एक युवा भाग गया, 3 को पकड़ा गया, लेकिन जो रुपए लेके भागा था वो पकड़ में नहीं आया। 7-8 दिन के बाद में उसी व्यापारी से कल इस दुकान से घर जाते हुए 500 मीटर की दूरी पर थैला छीन लिया गया और इसके बाद में व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। आज सुजानगढ़ इस घटना के विरोध में बंद है। मैं आपको दिखाऊंगा इस दुकान के बगल में, इधर देखिए बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। ये सारे मार्केट के व्यापारी हैं जो इस घटना का रोष व्यक्त कर रहे हैं। कल रात्रि में ही 12 बजे तक व्यापारी जो है वो घंटाघर के पास इकट्ठे थे, पुलिस लगातार मौजूद थी और व्यापारियों का कहना था कि बाजार तो बंद करेंगे, साथ में उपचुनाव में वोटिंग का बहिष्कार भी करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं व्यापारी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा बाजार इस समय बंद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगता है व्यापारियों में ही विरोध है बंद को लेकर। ये व्यापारियों में आपसी कोई यहाँ पर मनमुटाव लग रहा है बंद को लेकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यापारी एक आपस में उलझे हुए हैं, व्यापारिक संगठनों के जो अधिकारी हैं वो आपस में उलझे हुए हैं, क्योंकि अगर घंटाघर के आसपास की दुकानें बंद हैं तो सिंगी मंदिर क्षेत्र की दुकानें अभी भी खुली हुई हैं और इसको लेकर आपस में विवाद चल रहा है। शायद इसलिए ये सब किया जा रहा है कि कई बार देखने को मिलता है कि इस तरह की कोई घटना होती है तो बाजार बंद नहीं होता है, लेकिन जब एक घंटाघर के पास के व्यापारी के साथ ये लूट की घटना हुई है तो तुरंत बाजार बंद की घोषणा कर दी गई है। इस चीज़ का यहाँ पर आपस में विरोध लग रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी है जो एक दूसरे में यानी आपस में उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि घंटाघर स्टेशन रोड की दुकानें लगभग बंद है, आजकल 21 दुकानें खुली हुई जरूर हैं, लेकिन गांधी बालिका क्षेत्र में बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, इसको लेकर व्यापारियों में विरोध चल रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारी दुकानें खुली हुई है, ये गांधी बालिका स्कूल के पास का मार्केट है जहाँ पर दुकानें खुली आप देख रहे हैं और व्यापारियों में आपसी फूट साफ नज़र आ रही है। देखिए पूरा मार्केट इधर का खुला हुआ है, ये देखिए पूरा बाजार, कपड़ा बाजार पूरा खुला हुआ है। मंत्री जी की दुकान बंद है, बाकी ये आप देख रहे हैं दुकानें खुली हुई है। ये देखिए ये पूरा बाजार खुला हुआ है। सिंगी मंदिर के पीछे का बाजार पूरा खुला हुआ आप देख रहे हैं। एक भी दुकान बंद नहीं आप देख सकते हैं, जबकि लूट की बड़ी घटना थी ये, लेकिन व्यापारियों में आपसी फूट साफ दिख रही है। सिंगी मंदिर के पीछे का बाजार है, ये सिंगी मंदिर आप देख रहे हैं, इसके पीछे का मार्केट पूरा खुला हुआ है। मैं इस समय गांधी बालिका के सामने हूँ। सिंगी मंदिर के रोड की जितनी दुकानें हैं सारी दुकानें हैं
वो खुली हुई है। मार्केट भी खुले हैं, ये पुजारी मार्केट है जहाँ के अंदर की सारी दुकानें खुली है। कुछ व्यापारी जो है वो हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। सुजानगढ़ में कल रात्रि को व्यापारी के साथ लूट की घटना हुई, लगातार चोरी की घटनाएं भी हो रही है, फिर भी आपने बाजार क्यों खोल रखा है? इसलिए कि हमें 12 महीने हो गए बंद करते हुए, संडे की संडे ये ऐलान किया हुआ है कि संडे को मार्केट बंद रहना चाहिए, फिर भी हमारा मार्केट बंद रहता है। उधर के कई व्यापारी हैं, नाम नहीं लेना चाहते हम, वो खोलते हैं, इसलिए हम उस उद्देश्य के भावना से हम वैसे व्यापारियों के साथ में, फिर भी हम जानबूझ के इसलिए खोल रहे हैं कि वो हमारे साथ हों। वो संडे को मैंने हमारा मार्केट इधर का संडे को पूर्ण तब बंद रहता है, लेकिन वो संडे को दुकानें खोलते हैं वो हमारे साथ नहीं है। तो आज उनको हम दिखाने के लिए हमने दुकानें खोली है कि भाई हम आपके साथ नहीं है। उनसे नाराजगी कोई नहीं है, बस वही नाराजगी है। ये मामला नाराजगी का नहीं है, ये एक लूट का मामला है, सुजानगढ़ की बड़ी समस्या है। तो इसमें नहीं लगता है कि आप लोगों को इस घटना में तो साथ रहना चाहिए? साथ वो हम लोगों के साथ में नहीं है, हम लोगों को कभी कोई हम लोगों को कोई तरह का वो किसी तरह का बोला नहीं है कि भाई संडे है तो हम आपके साथ में हैं, कोरोना काल में हमारे साथ में, वो हमारे साथ में नहीं रहे, इसलिए आज हम लोग उनके साथ में नहीं रहे। ये देखिए मैं बता दूं, कोरोना काल में रविवार को बाज़ार बंद की घोषणा रहती है, लेकिन ये कह रहे घंटा घर के छत की दुकानें खुली रहती है जबकि हम पूरा मार्केट बंद रहते हैं। लेकिन ये मामला एक अलग मामला मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि एक व्यापारी के साथ 10 दिन में 2 बार लूट हुई है और निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। अगर इसमें व्यापारी एकता नहीं दिखती है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक हो सकती है, ये बड़ा लफड़ा भी हो सकता है। और घंटाघर के पास व्यापारी उलझे हुए हैं एक दूसरे से, इसी मामले को लेकर उलझे हुए हैं कि ये जो सिंगी मंदिर के पीछे की जितना बाज़ार है वो सब लोगों ने दुकानें खोल रखी है, और इसके पीछे कारण ये बता रहे हैं कि रविवार का जो बंद का जो ऐलान है उसमें हमारा साथ ये नहीं दे रहे, हम बंद रखते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मैं पुनः जानना चाहूँगा कि एक व्यापारी के साथ लूटपाट होना ये आपके लिए भी खतरनाक नहीं हो सकता है? हम लोगों के साथ में खतरनाक हो सकता है, प्रशासन के खिलाफ हो रहा है? नहीं, प्रशासन के साथ खिलाफ है, लेकिन जब संडे को अनाउंसमेंट किया जाता है, माइक फिराया जाता है बंद का, फिर उसका वो लोग पालन नहीं करते हैं। भाई हर शनिवार को माइक पहले दिन फिराया घूमता है कि भाई कल संडे को मार्केट बंद रहेगा, वो लोग उसका पालन नहीं करते हैं। और ये हम लोग ठीक है उनके साथ होंगे, अभी 3 बजे हमारी मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग में हम उनके मीटिंग में जाएंगे और जो हमारी समस्या है हम उसका उनके सामने रखेंगे, और फिर जो ये लूट हुई है उसके बारे में भी उनके साथ होंगे हम लोग। अभी प्रदीप जी तो आए थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हम इसका डिसीजन लेंगे, आपकी अच्छी राय है, अच्छी बात है, फिर भी हम उन व्यापारियों के साथ हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, व्यापारी तो ये कह रहे व्यापारियों के साथ है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये देखिए कोई भी दुकान इस मार्केट में बंद नहीं है, सारा मार्केट खुला हुआ है। और जिस तरह से रोजाना रात्रि में चोरियां हो रही है, लूटपाट की घटनाएं हो रही है, उसके खिलाफ प्रशासन के खिलाफ पुलिस के खिलाफ ये बंद है, लेकिन व्यापारी एक दूसरे की फूट को लेकर इस बंद को सफल नहीं कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये व्यापारियों का मामला, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ों पर ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपसी मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मामला सुरक्षा का है और प्रत्येक व्यापारी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ आज का ये मुद्दा है, इसलिए व्यापारियों को इसमें एक साथ रहना चाहिए था। लेकिन ये कोरोना काल में जो रविवार के बंद का मामला है उसको लेकर व्यापारियों में आपसे फूट नजर आ रही है, और उसको लेकर घंटा घर के पास पुनः आपको लिए चलाऊंगा जहां पर व्यापारी इकट्ठे हैं और एक दूसरे से उलझे हुए हैं। पूरा बाजार आप देख रहे हैं खुला हुआ है, मैं समय गांधी बालिका के सामने इंदिरा प्लाजा पहुंच चुका हूं। मैं आपको बता दूं गांधी चौक से लेकर पुलिया तक की जितनी दुकानें हैं सिंह मंदिर के पीछे वो सारी खुली हुई है, एक भी दुकान बंद नहीं है, जबकि घंटाघर से लेकर स्टेशन रोड तक सारी दुकानें बंद है, इक्का दुक्का दुकानें हो सकता है खुली हो। मैं यहाँ गणेशदान जी मंत्री की दुकान पे हूँ, रामोतार जी मंत्री और अनेक व्यापारी हमारे साथ हैं, आप इस बंद में साथ शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है, एक व्यापारी के साथ इस तरह से लूटपाट होना और 10 दिन में 2 बार घटनाएँ इस तरह की होना। देखिए ये जो घटना हुई है इसमें व्यापारी, ऐसा नहीं है कि व्यापारी साथ नहीं है, व्यापारी सब साथ है, क्योंकि ये घटना तो किसी के साथ में हो सकती है, लेकिन हमारे मार्केट वाले विरोध इसलिए कर रहे हैं कि रविवार के दिन मार्केट बंद की घोषणा है, पूरा मार्केट बंद रहता है, हमारा मार्केट पूरा ये गांधी बालिका इलाका पूरा पैक बंद रहता है, घंटाघर की एरिया खुली रहती है, तो व्यापारियों को ये तकलीफ है कि जब व्यापार मंडल या प्रशासन की तरफ से बंद है तो फिर घंटाघर एरिया क्यों खुलता है।
इसलिए ये आज इसी विरोध के अंदर ये मार्केट खोल के बैठे हैं सारे। मंत्री जी ईमानदारी से बताइए, सारे व्यापारी लोग आप शामिल हैं, आप कह रहे हैं साथ हैं, साथ दिखना चाहिए, एकता दिखनी चाहिए, आज के दिन आपको नहीं लग रहा है कि इस डिसीजन में आप लोगों को शामिल होना चाहिए था? ये व्यापारी विरोध बता रहे हैं, जता रहे हैं कि जो रविवार के दिन जो बंद हो फिक्स कर रखा है कि बंद करना है और घंटाघर एरिया खुलती है, तो हमारा मार्केट रविवार को पूरा पैक बंद रहता है और घंटाघर एरिया खुलती है, तो व्यापारी चाहते हैं कि पूरा सुजानगढ़ रविवार के दिन बंद रहे, बंद के अंदर साथ में है पूरा व्यापार मंडल साथ आप लोग भी, आपकी ये कहना क्या कहना आप भाई? इस घटना के विरोध में हम गांधी वालिका और सिंह मंदिर के व्यापारी थाने में ज्ञापन देने जा रहे हैं, हम विरोध में है इस घटना के और ये निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी हर कोई भी व्यापारी के साथ हो सकता है, और हमारे खोलने का मतलब ये है, अभी हमारे इधर बंद कर रखा हुआ है, हम पूरे संडे को बंद रखते हैं, 6 महीने से बंद रख रहे हैं, और उधर है अमुक 5-7-10 व्यापारी मार्केट खोलते हैं, तो वो हमारे साथ है ही नहीं, फिर भी हम इस घटना के विरोध में पुलिस प्रशासन के विरोध में है, हम ज्ञापन देने भी जाएंगे और ये घटना नहीं होनी चाहिए, निंदनीय है। यानी 5-10 दुकानें खुली रहती है उसके खिलाफ आप ये सब करें? वो घंटाघर एरिया मार्केट खुलता है, पूरा खुलने लगे आप भी खोल सकते हैं फिर? नहीं, हम तो देखिए अभी भी आज भी हमारे घर मेहमान आए हुए थे, अभी आए हैं 12 बजे बाद में दुकान खोली है, तो हम ऐसा नहीं है व्यापार मंडल के साथ नहीं है, हम व्यापार मंडल के साथ है, व्यापार मंडल के साथ है, लेकिन जब आज ये साथ दिखाने का मौका था तब इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, उनको बताना चाहते हैं आज के इस बंद के माध्यम से कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो इस घटना में हम आपके साथ नहीं है, इसको लेकर आप देख रहे हैं ये पूरा बाजार खुला हुआ है और व्यापारिक संगठनों में जो आपसी फूट है वो आज इस बंद में साफ नज़र आ रही है। गांधी चौक का दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है, यहाँ से आगे पूरा बाज़ार बंद है, ये आप देख रहे हैं ये पूरा मार्केट बंद है, यहाँ से बंद शुरू हो जाता है, इधर भी आप देख रहे हैं सारी दुकानें बंद हैं। रात्रि को किशन बेड़िया के साथ हुई लूट की घटना के खिलाफ सुजानगढ़ बंद का आह्वान है, इधर आप देख रहे हैं बैरिकेड्स भी लगा दिया गया है, ये देखिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, सड़क को ब्लॉक किया जा रहा है, लेकिन टेम्पो वाले इधर नहीं आए। मैं पुनः घंटाघर पहुंच चुका हूं, अभी आप देख रहे थे यहां पर बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी संगठन एक दूसरे से उलझे हुए थे, बहुत खतरनाक घटना कही जा सकती है, व्यापारियों के लिए बड़ा खतरा है जिस तरह से लूट हुई है, और होना ये चाहिए था कि पूरा सुजानगढ़ बंद रहना चाहिए था। मैंने जिन व्यापारियों ने दुकान खोल रखी है उनको भी साफ कहा था कि आपका ये जो कार्य है वो सही नहीं है, खासतौर से ऐसे अवसर पर जब लगातार सुजानगढ़ में चोरी और लूटपाट की घटनाएं हो रही है, लेकिन उनका जैसा कहना था कि कोरोना काल में रविवार का जो मार्केट बंद रखा जा रहा है उसमें घंटाघर के आसपास के व्यापारी जो खुद घोषणाएँ कराते हैं लेकिन दुकानें खुली रखते हैं, इस विरोध में उन्होंने आज मार्केट खोल रखा है। प्रदीप जी तो भी हमारे साथ उनसे बातचीत होगा, प्रदीप जी ये क्या मामला है, क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी, पूरा दुकान मार्केट बंद होना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि गांधी चौक के बाद में आगे सिंह मंदिर क्षेत्र का पूरा मार्केट खुला हुआ है। ऐसा है, मैं आपको बता देता हूं कि हमने तो सभी व्यापारियों से अपील की थी कि भी बाज़ार बंद रखें, ये घटना ऐसी है किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन गांधी चौक में जहाँ गांधी बालिका विद्यालय के पास वाले व्यापारियों ने कहा उनकी बात सही है, वो कह रहे हैं कि भाई जब पहले कोरोना काल में संडे का बंद रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वो कोरोना काल का ही मामला था सिर्फ, उसके बाद में संडे का कोरोना काल होने के बाद में फिर एक बार निर्णय हुआ कि भाई संडे को बाज़ार बंद रखेंगे, लेकिन बीच में दीपावली का और का ये त्यौहार आने की वजह से बाज़ार खुल गया, तो अब बाज़ार के घंटाघर के आसपास वाले कुछ व्यापारी है वो बाज़ार नहीं बंद करते, संडे को अपनी दुकानें खुले रखते हैं, उस वजह से वो व्यापारी नाराज़ है कि भी उनको भी बंद रखनी चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए, इसलिए हम आज आपके साथ नहीं है। प्रदीप जी व्यापारिक संगठनों में सख्ती क्यों नहीं है बंद को लेकर, ऐसा क्यों नहीं है कि सारे व्यापारी एक हो, ये सब चीज़ें अब आप देख लीजिए, आज जब बंद होना चाहिए था उसमें वो सारी चीज़ें सामने आ रही है और व्यापारियों की जो फूट है वो सामने पूरे सुजानगढ़ के सामने आ रही है। देखिए ये बात बिल्कुल आपकी सही है,
कि व्यापारी संगठन को सबको एक होना चाहिए, एक होकर निर्णय करना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ये जो व्यापारी संगठन सब एक नहीं हो रहे हैं, इसी का कारण है कि ये आपस में फूट है या ये फूट का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। तो सब एक है तो सब बैरिकेड क्यों लगाया हो? आप लगा रहा क्या ना चारों में रास्ता में? नहीं नहीं, और पब्लिक कता आदमी आया, कता हरेसमेंट हो रहा है। लोग यारो थे क्या 12 बजे बंद कर दो बाजार ने अचानक? आ कोई बात थोड़ी है। हर थांगो व्यापार मंडल वालों को दीतवार ने बंद है तो दीतवार ने ऐसी तैसी खराब दुकानदार क्यों खोले, दुकानें क्यों खोले बच्चे? ये देखिए, आम लोगों में भी विरोध है इस चीज का कि अगर पूरा बाजार थांगे थोड़ी सी बढ़त लागे जो ना बंद हो गयो हर माके बढ़त लागे जगह दिन की कोनी काई मतलब है। एक मिनट नाम जानना चाहूंगा। ओम प्रकाश बागड़ा। आप क्या करते हैं? फ्री हाँ, बेरोजगार हाँ। मतलब आप व्यापारी नहीं है? नहीं है। आजा, ये एक मिनट, ये जो आज आधा बाजार खुला है आधा बंद है? बंद है, स्टेशन पूरा खुले है, गांधी चौक आगे खुले है, वो घंटा करके चारों में रोप दिया लकड़ा, काई मतलब है यूं? अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरह से गांव में चोरियां हो रही है लगातार और लूटपाट की घटनाएं हो रही है, अगर आज व्यापारी एकता नहीं दिखा रहे हैं तो आपको क्या लगता है? एकता दिखाओ, थाना में जाकर धरना दो, SP ने पकड़ लिया, थानेदार ने पकड़ो, आम आदमी पब्लिक ने हरेसमेंट करना फायदा। एक बात बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि धरना दो, क्या आम लोगों को भी नहीं करना चाहिए? घरों में भी चोरियां ज्यादा हो रही है, लूटपाट से ज्यादा कट हो रही है, मान तो कटी होने लगी हो, आपकी थोड़ी सावधानी रखो। यानी घरों में चोरियां नहीं हो रही है? ये देखिए, ये सुजानगढ़ का दुर्भाग्य है। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि सुजानगढ़ में चोरियां नहीं हो रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चोरियां हो रही है। आप इसको नकार कैसे? चोरियां हो रही है तो पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर धरना दो। नहीं तो ये केवल व्यापारियों का थोड़े, हमका भी हमारा भी, आम पब्लिक को काई मतलब है? पब्लिक का ही पब्लिक है, आम पब्लिक को काई मतलब है? नहीं, जो ग्राम चोरी हो रही है, कितने ग्राम चोरी हुई, हर ग्राम चोरी हो रही है। अब इनका विरोध हो रहा है। एक मिनट, मैंने कल क्या कहा था? मैंने एक मिनट रुकना, कल लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर में रात में मैंने कहा था कि जितना प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, उतना सुजानगढ़ की जनता भी जिम्मेदार है। चोरियां इतनी हो रही है, एक दिन भी सुजानगढ़ की पब्लिक सड़कों पर नहीं उतरी, जबकि मैंने देखा सरदार शहर में, रतनगढ़ में, राजगढ़ में इस तरह की घटना हुई तो लोगों ने रास्ते जाम कर दिए थे, और इसी का कारण है कि वहां पर चोरियों की घटनाओं पर अंकुश लगा। लेकिन 6 महीने में सुजानगढ़ में एक दिन भी अगर किसी व्यक्ति ने अपना घर सुना छोड़ दिया तो उस घर में चोरी हुई है। अभी एक व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा था, उन्होंने कहा कि ये बैरिकेड्स क्यों लगाए गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या, आपको विरोध नहीं है, आप चोरियां नहीं हो रही कि नहीं? चोरियां नहीं हो रही है, ये व्यापारियों का ही कर्तव्य है केवल। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसमें केवल व्यापारी नहीं, आम लोगों का भी एकजुटता होनी बहुत जरूरी है। और अभी यहाँ पर देखने को मिली कि न तो व्यापारी एकजुट है, न आम लोग एकजुट है, एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे को दोषी मान रहे हैं। लेकिन दोषी केवल पुलिस प्रशासन नहीं, आम लोग भी हैं। जब तक हम डटकर विरोध नहीं करेंगे, एकजुटता के साथ अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, तब तक पुलिस जागने वाली नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत आसानी से जागने वाला डिपार्टमेंट नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि सुजानगढ़ एक हो जाए और इसका कड़ा विरोध किया जाए। और आज सुजानगढ़ बंद है, लेकिन आधा सुजानगढ़ बंद है, आधा मार्केट खुला हुआ है, व्यापारियों में एकता देखने को नहीं मिली है। बहुत बड़ी घटना है, एक व्यापारी के 10 दिन पहले गले से पैसे निकाले जाते हैं, उसी व्यापारी को रात में सरेआम लूट लिया जाता है, और ये घटना मामूली घटना नहीं है। और इसको लेकर आम लोगों में भी रोष है, लेकिन ये पूरा रोष जो है एकता के साथ प्रशासन के सामने नहीं पहुंच रहा है। ये था सुजानगढ़ से हमारा ये खास कार्यक्रम, जिसमें आप देखा कल रात्रि में एक व्यापारी को सरेआम लूट लिया गया था, उसका थैला छीन लिया गया था, उसी व्यापारी का जिसके साथ 10 दिन पहले चोरी की घटना हुई थी, दुकान से चोर गले से पैसे निकाल के भाग लिए थे। लेकिन आज के बंद में व्यापारियों की फूट नज़र आई और आम लोगों का सहयोग भी कम देखने को मिला। बस स्टैंड का मार्केट खुला हुआ है, गांधी चौक से लेकर पुलिया तक सिंह मंदिर के पीछे का पूरा मार्केट खुला हुआ है, लेकिन स्टेशन रोड घंटाघर के आसपास की सारी दुकानें बंद है और टैक्सियाँ चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है,
लेकिन ऐसे बंद में आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ताकि गाड़ियाँ आ रही है गाँव से, जो लोग आ रहे हैं उनको बाज़ार बंद मिलने से खरीदारी में दिक्कत आ रही है, क्योंकि विवाह शादियों का सीज़न है। लेकिन जब इस तरह की चोरी की लूटपाट की घटनाएं होती है उसमें लोगों को एकता दिखानी चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं है। आम आदमी व्यापारी होता है और व्यापारी आम आदमी होता है, तो आम लोगों को और व्यापारियों को एकता दिखाते हुए यहाँ पर प्रशासन या पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए था, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिला, जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार चोरियाँ और लूटपाट की घटनाएँ सुजानगढ़ को झकझोर रही है और सुजानगढ़ के लोगों में चिंता पैदा कर रही है। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूँगा कि ऐसे मामलों में सुजानगढ़ के लोग विरोध नहीं करते हैं, इसी का कारण है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा है। एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।